आज रात विले पार्ले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या कर दी गई और ये भी वैसे ही की गई है जैसे पिछले कुछ दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों की हत्याएं हुई। लेकिन अजीब बात यह है कि इन सभी हत्याओं का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बेवजह लोग मौत का शिकार बनते जा रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसिस डिसूजा का कहना है कि मरने वालों के बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं। उनका मानना है कि ये किसी साइको किलर या सीरियल किलर का काम हो सकता है जो बेवजह सिर्फ मजे के लिए लोगों की हत्याएं कर रहा है। इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति है उसे पकड़ने के लिए प्रशासन पुलिस पर दबाव बना रहा है। इन लगातार हो रहे मर्डर्स की वजह से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है, पर अब देखना यह है कि इन हत्याओं के पीछे कौन सी शक्ति है और किसका हाथ है। ये देखो, नसें बाहर निकली जा रही है। मैं मरूं या जीऊं, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल रात को बहुत बुरा सपना आया। सारी जिंदगी बुरे सपने में जी रही हूं, उसका क्या? किसको जाके सुनाऊं? तुम्हारे पूज्य पिताजी को? ए, उठ यहां से, मोदी जी तेरे लिए स्कूल अटेंड करने नहीं जाएंगे। और सुन, वो बिस्तर ठीक करना अपना, समझा? उठना। उठ रहा हूँ ना माँ, चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत, कब उठता है कब सोता है पता ही नहीं चलता। पैर जरा हटा लीजिए। शर्मा जी, सुबह सुबह बाहर गए थे? वो पानी का प्रॉब्लम चल रहा है ना, कारपोरेटर से मिलने गया था। हेलो बेटा। नमस्ते अंकल। आज कॉलेज है? मैंने सुना कुछ हॉलिडे है। हमारे कॉलेज में नहीं है पापा, मैं चलती हूँ। गौरी कुछ सीरियस लग रही है? एग्जाम है, टेंशन। अच्छा अच्छा।
हेलो गौरी बेटा। उठ नहीं सकता ना तो? इतनी देर क्यों लगा दी? ट्यूशन लेट खत्म हुआ। जब मैं तेरी उम्र की थी ना, मैंने किताब देखी तक नहीं थी। हाँ हाँ, इसीलिए तो इतने सालों से हमें पढ़ रही हो। दीदी दीदी मैं यहाँ हूँ। दीदी 5 रुपए तो देना। नहीं देना है तो मत दे। क्या था वो? अरे चल चल, कुछ नहीं। नहीं रे, कुछ तो गड़बड़ है। अरे चल चल चल। तुम्ही ते काय करतात? हा, गांजा मार रहे हो क्या? क्या तू इधर आ? ए इधर आ। चल इधर है। चिलम पिता है क्या? चल दिखा। तेरी मां की। ओहो, ये खाने में नमक तो ठीक से डाला करो। जैसा बनाया ना वैसा खा लो, टेटर मत करो। जब देखो कभी कम नमक कभी ज्यादा नमक। अरे जैसा होगा वैसा बोलूंगी ना। एक दो दिन में भेज दो इनको गांव, या तो ये रहेंगी यहाँ या मैं रहूंगी। तू तो यही चाहते है ना। आज तक में आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांद्रा सी पेस के पास 2 पेट्रोलिंग कांस्टेबल्स को किसी ने बुरी तरीके से पत्थर मार के उनकी हत्या कर दी। इसके साथ ये महीने का 10वां मर्डर है और ये सीरियल किलिंग्स का मामला लगता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है, जिसके चीफ हैं इंस्पेक्टर फ्रांसिस डिसूजा। इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने हमको बताया है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है ये पता करने की इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। अब तुझे क्या हुआ गौरी? जरा हंस के खाओ। बस एग्जाम्स के बारे में सोच रही थी। सोचो मत, पढ़ो। अब उसे क्यों डांट रही हो? उसको नहीं डांटो तो किसको डांटो? अपने आप को डांटो। वो एग्जाम, परीक्षा तो उसको देनी है ना। और बच्चों के सामने मुझे विलन मत बनाया करो। अरे जो है वही तो बनाएंगे ना।
अपार्टमेंट से आ रही है। क्या बात है? अब क्या बेटा, क्या कर रही है अंदर? कभी डरो मत, पापा है। सुनो, क्या कबर्ड में? पता नहीं कैसे कैसे पहुंची वहां। उसे पूछो तो कुछ बोलती नहीं, पर पहली बार हुआ, पहली बार। बहुत बहुत डरा हूं। तुमने कहा था ना एग्जाम का टेंशन, शायद उसी वजह से होगा। शायद शायद कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा है। चल पानी में चलते हैं। पागल हो गए हो? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे पानी से बहुत डर लगता है। पानी से? कोई बात नहीं, मैं डर निकाल दूंगा। चल ना पानी में चल। मुझे नहीं जाना। पानी डरा रहा है? मैं डरा रहा हूँ। तुम डरा रहे हो। हो गौरी, गौरी तू तू ठीक है? गौरी आजा बाहर, आजा।
चेक कर लिया मैंने आपकी बेटी को। तो ठीक है? तो फिर ठीक है ठीक नहीं है? पढ़ाई में कैसी है? ठीक है पढ़ाई में? कैसी है? ठीक है, अभी एग्जाम है तो टेंशन में है। हो सकता है नाटक कर रही है। हाँ, पढ़ाई से बचने के लिए नाटक कर रही है। क्या? नहीं, मैं अपनी बेटी को जानता हूं। मेरी बेटी नाटक नहीं कर रही, वो ऐसी नहीं है। आजकल के बच्चों को उनके पेरेंट्स नहीं जानते। प्रिया जी, मल्टी विटामिन लिख रहा हूं जी। ओके, इनको बताओ। डोंट वरी, शील बी फाइन। कहां से आ रहे हो? डॉक्टर के पास से। क्यों, क्या हुआ? गौरी, तुम्हें सच में कुछ हो रहा है? या एग्जाम के टेंशन में नाटक कर रही हो? गौरी बोल ना। सुनो गौरी बेटा, thank you.
क्या क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रहा था, ये चिल्लाने लगी। ठीक है ठीक है। गौरी 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 क्या हुआ? ए गौरी 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 जवाब दे मुझे, जवाब दे नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, सच कह रही हूँ। गौरी वो डरी हुई है। गौरी 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 मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ है? Sorry. दुखेगा थोड़ा। मैं तेरी नर्स नहीं हूं, जो मन करेगा अंदर घुसा देगा। पापा 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 क्या हुआ? इधर इधर उधर हाथ लगा रहा। मैंने कब हाथ लगाया? मेरे इंजेक्शन लगा रहा था, ये मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा रहा था। इंजेक्शन लगा रहा था। अरे ऐसे अरे कुछ नहीं किया, मार रहा हूं। अरे मेरे बेटे डॉक्टर नहीं है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम्हें क्या लगता है? क्या पता, तुम्हारा आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या, और मुझे अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं ही नहीं, कोई और है। एक बात बोलूं, उस दिन हम पार्क गए थे ना, तो पार्क में मुझे भी यही लगा कि तुम नहीं थी, कोई और ही था। कोई और? मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कोई भूत आ गया है। ए लक्कू, कॉफी लेके आ। तुझसे बात कर रही हूँ, और किससे? मुझसे ऐसे बात करेगी तू? एक खबरदार, चीर के रख दूंगी। क्या क्या हुआ? गाली दे रही है मुझे गौरी? गाली और नखरा दिखाए ना, मार दूंगी। क्या 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 बोल रही हो तुम गौरी? तुमने अभी गाली दी माँ को? गौरी 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 क्या 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 हो रहा है? क्या किया मैंने? क्या क्या किया मैंने?
पापा, कुछ किया मैंने पापा? क्या किया मैंने? क्या हो रहा है मुझे पापा? नहीं, कुछ कुछ बोला मैंने कुछ कुछ, 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 कुछ। नींद में चलना, बुरे सपने, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तो बात यहां तक आ पहुंची है कि वो चिल्लाने लगती है, काटने लगती है, बदतमीजी से बात करती है, घूर के देखती है। मुझे तो डर लगता है ये कहीं भूत भूत का तो मामला नहीं। सुनो, तुम उसे किसी तांत्रिक के पास लेके जाओ, बोरी बंदर के एरिया में एक है। तांत्रिक? हाँ, मेरी सलाह मानो, तुम उसे तांत्रिक के पास फौरन लेके जाओ। भड़वे, रोज रात में तू तेरा हाथ में लेके गौरी को सोचते हुए मारता रहता है। गौरी, क्या बोल रही तू? मैं नहीं जानती। गौरी, जब तू मारता रहता है ना, तेरे रूम में कोने में बैठ के मैं तुझे देख रही होती हूँ। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं झूठ। झूठ बोला ना? गौरी, सुनो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ? गौरी, मेरी बात सुनो। सुनो, अब क्या बोल रही हूँ? मैं गौरी, कुछ किया मैंने पापा? बाबा से मिलना है, बात हुई है। आजा 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 आओ, आजा 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 आजा, कोई बात नहीं बेटा, बैठ 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 बेटा, आओ बैठ बैठ बैठ, कोई बात नहीं बैठ। कौन है तू? गौरी। कौन है तू? गौरी। अरे क्या कर रही है? मैं जानता हूँ, कुछ करो ना। कौन है तू? कौन है तू? ऐसा मैं जानता हूँ तू उसके अंदर है, बोल कौन है तू? अरे क्यों आया तू अंदर इसके? बोल 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 बोल। देख तू नहीं बोलेगा तो बहुत बुरा करूंगा मैं तेरा। सुनो पापा। कौन है बोल? बेटा बेटा। कौन है बोल? बोल।
कौन है तू? बोल बोल बोल। अरे बोल कौन? दिख रहा है? बोल कौन है तू? क्यों आया? उसके अंदर कोई है? मारिया मत, नहीं मारिया मत, मारिया मत, मारिया मत, मारिया मत, नहीं, ये क्या कर रही है? नहीं, 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 मार दे, मार दे, मार दे, मेरी बेटी को, कोई है? मैं उसको मार रहा है लेकिन उसको नहीं लग रहा है, उसके अंदर जो है उसको लग रहा है। नहीं नहीं, लेकिन मारना नहीं, मारना नहीं, नहीं नहीं, मारना नहीं, जाओ जाओ, जाओ तुम यहाँ से। अरे तुम पीछे, मैं कह रहा हूँ जाओ तुम, तुम नहीं मारेगा आप उसको, कैसे मारेगा आप उसको, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। मैं कह रहा हूं मत मारो, मेरी बेटी है। चलो वहां मत छुपो, तुम चलो, चलो या? जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम भी आओ, जाओ, कुछ नहीं होगा। शांता पानी क्यों ने? माफ करना, हमें नहीं पता था बेटा, कम से कम हमने हम पापी, अरे क्या कर रहे हैं, हमारी गलती नहीं, बेटी ठीक होगी, ठीक होगी मेरी बेटी, समझ में नहीं आ रहा है, हम लिखे पढ़े नहीं ना बेटी, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, भगवान से, भगवान से माफी मांगेंगे, उनसे कहेंगे हमारी बेटी को ना परेशान मत करो, प्यारी बेटी है हमारी। शर्मा अंकल, शर्मा गांव जा रहा है,
शर्मा। तू रोड पे तो भाग गया, तुझे क्या लगा तू गांव जाकर बच जाएगा? ए भाई, ए भाई, रोक रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। अरे क्या हुआ चाचा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच छोड़ 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 छोड़। माँ बार बार रुकने की जिद मत करो, गौरी के साथ जो हो रहा है, गौरी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों गांव में ही रहो। हम्म, चलो बैठो आराम से जाओ। Mishra will continue soft promotions for Umar Akmal, so also from this foul hard situation. Two slips and a silly point. Arey Marna, arey yaar, itna acha shot. चंदू, गौरी, ये क्या मजाक है? ए गौरी, तू यहां पे क्या कर रही है? ये क्या मजाक है? तुझे लगता है मैं डर जाऊंगा ऐसे? Thank you.
फिर आओ चाय लाना। अरे दिन में सपने देख रहा है क्या? चाय लाना। साहब मेरी बेटी के साथ कुछ हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। साहब आप किसी को जानते हो जो मेरी बेटी की मदद कर सकता है? ठीक हो जाऊंगी ना? डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ इस लाइट को देखती रहो। सिर्फ लाइट की तरफ देखती रहो। तुम्हारे अंदर जो है मैं उससे बात कर रहा हूं। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? बाबू। पूरा नाम? उससे तेरे को क्या लेना देना है? पूरा नाम बोलने से डरता क्यों है? ये तू तेरी जो साइकेट्रिस्ट की लंबी डिग्री है ना, उसकी पत्ती बना के अपने कांड के अंदर घुसा ले। क्या चाटेगा क्या? आपकी बेटी एक एक्यूट केस ऑफ डीआईडी से सफर कर रही है। आपको समझाऊंगा। क्या है कि अच्छी तरह से स्टडी करके ट्रीटमेंट का एक करेक्ट प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वक्त लगेगा लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर ये बात आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मुझे सर, मुझे मुझे, मुझे मुझे बोल के कुछ फायदा नहीं है। आपको ये बात आप डिपार्टमेंट में बोलिए ना, एचओडी को बोलिए। मैंने की थी बात लेकिन अरे मेरे सामने कीजिए। लेट मी सी, मैं बोलूंगा ना आपके साथ साथ में आपके। आप डरते क्यों हैं? ठीक है सर, आप देती हूँ। डोंट वरी। अरे ये क्या है सर? कब कब कब? हाँ कब कब? Thank you.
शिवरा के एक क्लिनिक के डॉक्टर और नर्स दोनों का मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर फ्रांसिस का कहना है कि इन दोनों के पीछे भी वही साइको किलर का हाथ हो सकता है। ये दोनों मर्डर के साथ सिर्फ पिछले दो हफ्ते में 6 और मर्डर्स हुए हैं। पर इंस्पेक्टर फ्रांसिस ने कहा कि यकीन से नहीं कह सकते कि उनके पीछे भी वही साइको किलर का हाथ है। मैंने ही इन दोनों को एक दूसरे से मरवाया, और बस इन्हीं दोनों को नहीं, पिछले दो हफ्तों में 6 लोगों को मरवाया। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। सीरियल मर्डर इन्वेस्टिगेशन का एक नीडर ऑफिसर, लेकिन फ्रांसिस, तुम्हारे बारे में जो दूसरे नहीं जानते ना, वो मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कहने के लिए तो तुम बहुत बड़े तोप हो ना, बाहर वालों के लिए एक टॉप ईमानदार ऑफिसर, और घर में खुद ही की बीवी के साथ धोखा। बाहर वालों के लिए एक निडर पुलिस वाला, और यहाँ जिस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसी का नाम लेने से डरते हो। सुन सुन मेरी बात, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है मैं, समझी? 53 क्रिमिनल्स को अपने हाथों से मारा है मैंने। तेरे को मारने में ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता है तो बता क्यों नहीं देते मुझे उसका नाम? साली कितना परेशान करती है ना, तेरे सामने ना क्रिमिनल्स अच्छे लगते हैं, और अगर एक भी शब्द बोला ना ठोक दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा मैं, हट जा। अंदर एक आदमी आया हुआ है, किसी ऑफिस का प्यून लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आजकल जो बम्बई में मर्डर हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके पास। सर, क्या नाम? राव। बैठ। क्या जानता है? जो मर्डर्स हुए हैं उसके पीछे कौन है? मेरी बेटी। क्या? गौरी कॉलेज में पढ़ती है,
कासिम। यस सर। अगली बार से ऐसे पागलों को मेरे सामने लाए ना थप्पड़ मारूंगा तेरे को। लेके जा इसको। मैं पागल नहीं हूं सर। आउट सर। मैं आउट बोला। मैं कह रहा हूं एक मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ सुनकर आपको लग रहा है कि मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ सर। जो मर्डर हुआ था वो मर्डर कैसे हुआ था मैं बताता हूँ ना आपको। बांद्रा में जो मर्डर हुआ था उसकी आंख निकालकर उसी की मुट्ठी में दे दी थी। उसका पेट पेट चीर कर उसकी आंखें आतड़ी पेड़ पर चढ़ी थी। सुनो रुकने बोला, रुकने बोला। सारा जो डिटेल हमने मीडिया को नहीं दिया इसको कैसे पता है? बैठ बैठ बैठ। क्या नाम बोला तू? राव। बेटी का नाम गौरी। कॉलेज में पढ़ती है। तेरा घर किधर है? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। याद है वो बरसात की रात जहां तू था, मैं था और कोई नहीं था। मेरा नाम क्या है बताओ 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 बाबू बाबू। उल्लू जैसा क्या देख रहा है अबे? ए, मैं क्या समझ? अबे चूतिये चिल्लाता क्यों है? आराम से बैठना, आराम से बैठना। आ सताऊंगा नहीं। बैठ आजा 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 बैठ 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 बैठ। क्या है ना राव, 2 साल पहले उस
पुलिस वाले ने मेरे को मार दिया और मैं आत्मा बन गया और मेरे मारने का काम रुक गया। उस चूतिये ने मुझे गोली से उड़ा दिया। मैं बाबू साइको किलर था। मतलब तू क्या कह रही है गौरी? अरे गौरी नहीं रे लक्कू, समझती नहीं है। अभी बताया ना तेरे को, बाबू साइको किलर राव, तेरे को मालूम है हम आत्माओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे पास शरीर नहीं होता, शरीर, और बिना शरीर आत्मा हवा में भटकती रहती है। पर मैंने ये शैतान को बोला, मैंने मुझे शरीर चाहिए, शरीर। तो शैतान ने कहा अगर तेरे को मारने का काम रुकने से इतनी तड़प है तो जा ढूंढ ले कोई शरीर, घुस जा उसके अंदर। मैं यहां इसके अंदर घुस गया। मतलब तुम जो भी हो, तुम इन गौरी के शरीर के अंदर हो। आंटी तेरे को समझ नहीं आता, पूरी रामायण सुनने के बाद पूछ रही है सीताराम की कौन है। बाबू गौरी ही क्यों? गौरी क्यों? अच्छी लगी मेरे को, अच्छी लगी, मस्त है तेरी बेटी। लाओ सुन, एक बार सुबह को कब्रिस्तान की दीवार पर बैठा था मैं और तेरी बेटी सड़क पे जा रही थी। फिर मैंने शैतान को बोला मुझे इसके अंदर घुसना है। शैतान ने कहा ट्राई कर ले। क्या है ना राव, इतना आसान नहीं होता किसी के अंदर घुसना। एकदम दबा दबा के उसको डरा के एकदम कंफ्यूज करके फिर मैं इसके अंदर घुस गया। तुम चूतिये जिंदा लोग कभी ये सोचते हो कि बहुत सारे लोगों को आत्मा क्यों नहीं पकड़ पाती? क्योंकि बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ मेरे जैसी काबिल आत्मा ही पकड़ पाती है। समझ गया? राव एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा ना? तेरी बेटी मस्त है, बहुत मजा आ रहा है मुझे इसके अंदर। दर्द हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है। तुझे कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। झूठ झूठ बोल रहा है, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है देखो। देखो
हेलो बोलो। डॉक्टर देवाशीष जी, मेरी बेटी के साथ बहुत अजीब हो रहा है, आप प्लीज मेरे घर जल्दी आ सकते हैं क्या? प्लीज देवो, आई देवू, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मरना नहीं है देवू। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपकी मां की मौत हो गई। प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, मुंबई पुलिस के लिए ये बहुत गर्व की बात है, इसलिए हमें हर वक्त सतर्क रहना। सर क्या क्या बात है फ्रांसिस? सर मुझे आपसे बात करनी है सर, अभी। फ्रांसिस तुम्हें दिखता नहीं है कि मीटिंग चल रही है यहां पर? सर बहुत अर्जेंट है। गो आउट। सर बहुत अर्जेंट है सर, मुझे आपसे अभी बात करनी है, अकेले में सर। आप लोग सब लोग जाओ यहां से अभी। फ्रांसिस ये क्या बकवास है? जाओ यहां से अभी। फ्रांसिस सर प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज अस, प्लीज। सर क्या बात है, क्या है ये अर्जेंट बात? सर सर ये जो शहर में मर्डर हो रहे हैं ना सर, वो सारे मर्डर। कम ऑन फ्रांसिस, स्पीक। सर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे सर। फ्रांसिस, फ्रांसिस ये क्या है? फ्रांसिस मेरी बात सुनो, बताओ ये क्या, बताओ क्या बात है? सर ये जो मर्डर्स हो रहे हैं शहर में, क्या तुम्हें कुछ मालूम पड़ा किसने किया? सर याद है सर, 2 साल पहले एक साइको किलर था जिसका केस हम कोर्ट में प्रूफ ही नहीं कर पाए थे। सर आपने मुझे उसका एनकाउंटर करने को बोला था। फ्रांसिस वो 2 साल पुराने मर्डर केस का इससे क्या मतलब? सर सर एक लड़की है सर, सर एक लड़की है सर, उसका बाप आया था सर राव, उसके बाप ने बताया कि वो लड़की जानती है सारे मर्डर्स के बारे में। सर सर मैं पीता नहीं हूं सर, आई डोंट ड्रिंक, यू नो दैट। वो किसी पार्टी में आपने मुझे देखा, अब मुझ पे शक कर रहे हैं? रिलैक्स, टेक इट इजी,
मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। रिलैक्स, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सर, क्या हो रहा है सर? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, सर आप यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ सर। सर उस लड़की के अंदर भूत है सर। हाँ सर वो जो लड़की है उसके अंदर उस साइको किलर का भूत है। मैं उसकी आवाज पहचानता हूं सर। उस लड़की ने मुझसे उस साइको की आवाज में बात की है। मैं उस किलर की आवाज पहचानता हूं सर। हाँ देखो फ्रांसिस, मैं जानता हूं कि पिछले 5-6 दिनों से सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत प्रेशर हो रहा है। पानी पियो, बुरा मत मानना और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। लेकिन अभी 8-10 दिन के लिए छुट्टी ले लो, कोई ऐसी जगह जाओ जहां सुकून हो, तुम्हारे दिमाग को आराम मिले और खर्चे की फिक्र मत करना, मैं डिपार्टमेंट से क्लियर करवा दूंगा। एक्सक्यूज मी फ्रांसिस, द ग्लास प्लीज, थैंक यू। मैं एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट को भी जानता हूं। थैंक यू सर। मैंने सोच लिया, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, वैसे भी कौन सा जिंदा हूं मैं। लेकिन अगर तुमने मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मुझे सच जाना है बस। मैं उस लड़के से मिला, उस लड़की के अंदर भूत है। भूत? वो लड़की? देखो तुम, मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसके अंदर उस किलर का भूत है। क्या? हाँ। एक लड़की है, उस लड़की के अंदर उस किलर का भूत है जिसको 2 साल पहले मैंने मारा था, याद है तुमको? वो जाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे इतनी अजीब कहानियां सुना रहे हो। चूतिया लगती हो क्या मैं तुम्हें? हाँ बताओ मुझे, क्या समझ रखा है मुझे? सुन, सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, मैं सच बोल रहा हूँ, उसके अंदर उस किलर का भूत है। कमिश्नर साहब कह रहे थे मैं पागल हो गया, मुझे भी लगता है पागल हो गए। क्यों मैं सच में पागल हो गए? तुझे याद है? याद है यही घोड़ा रखा था मेरे माथे पे, ऐसे ही वैसे ही मारूंगा तुझे मैं।
हिलना मत। हमारी मुलाकात होगी। देवो, आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस, बट जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इट्स वेरी अर्जेंट एंड वेरी डिस्टर्बिंग। ऐसा है कि मेरा एक जूनियर ऑफिसर है, फ्रांसिस, बहुत ही अच्छा ऑफिसर है, ही गॉट अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन कल उसने आके ऐसी बात की मुझसे कि मुझे उसके मानसिक स्थिति पे, उसका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं देबू जी। 2 साल पहले इसी ऑफिसर ने एक किलर को मारा था। अब एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में वो एक लड़की से मिलने गया था, और ये ऑफिसर का कहना है कि वो किलर जिसको उसने 2 साल पहले मारा था, उस किलर का भूत उस लड़की के अंदर है। I don't know, it's very strange, कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवू। एक्सक्यूज मी, अरे कहा था ना मैं बिजी हूं, क्या बात है? क्या? It's impossible, ये हो ही नहीं सकता। देबू, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जिस ऑफिसर की मैं बात कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई। पहले उसने अपनी बीवी को मार डाला और फिर खुद अपने आप पे गोली चला दी। आत्महत्या, ये कैसे हो सकता है देबू? ये क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उस ऑफिसर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस लड़की के अंदर का भूत है। Yes, officer. Yes. ये देबू, मस्त है रे इधर, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तू कैसे उधर? चूतिया, क्या है बे तू? साइकेट्रिस्ट? बड़ा ही हिप्नोटाइज कर दिया मुझे भोसड़ी के। मैं गौरी के जो अंदर है उससे बात कर रहा हूं। साला, तेरी माँ से बात करेगा? एक बात बोलो, तेरी माँ मस्त है, बहुत मजा दे रही है मुझे। समझ गया। कमिश्नर, तेरी फ्रांसिस कब दिया ना मैं? अभी वो इधर ही है हमारे साथ।
सर, सर मैं सच बोल रहा हूँ, अब मेरी बात का यकीन कीजिए सर, सर। लेकिन फ्रांसिस को कैसे मार सकती हो तुम? तो यहां हो मेरे बहुत दोस्त हो गए उस तरह। देवू, मरने के बाद सब लोग दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तुम जिंदा लोगों की होती है, कुछ पैसों की और कुछ रिश्तों की। देवू, मौत सब लोगों को प्रॉब्लम खत्म करके एक होना सिखा देती है। कैसा लगा मेरा ज्ञान? तेरी डिग्री से तो अच्छा ही है ना, कुछ सीख ले, काम आएगा। पापा, पापा, मुझे मुझे बचा लो पापा। गौरी, बाबू को निकालिए मेरे अंदर से पापा। गौरी, पापा, गौरी, पापा, बेटा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी, चूतिया बना दिया ना तुम लोगों को। मैं तो बस गौरी का नकल कर रहा था। क्यों बे कमिश्नर, दोबारा पुलिस कमिश्नर बनता है ना, मैं अब गौरी के अंदर रहकर इतने मर्डर करूंगा तो गिनती भी नहीं कर पाएगा। अभी अभी मैं वर्सोवा में 3 लोगों को मरवाया, अब तो तू मेरे को मार भी नहीं सकेगा, इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही मर चुका हूं। मेरे को मारने के लिए इसकी बेटी गौरी को मारना पड़ेगा। कैसे मारेगा बोल। अब मैं थक गया हूं। सोना चाहता हूं। डिस्टर्ब मत करो रे। क्या कर सकते हैं? वर्सोवा में जो 3 मर्डर का बोला था वो सही निकला। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? सुनो, इन्हें वो उसके बारे में बताएं। तुम पढ़े लिखे लोगों की दिक्कत ये है कि जब अंधेरा होता है लाइट ऑन कर देते हो तो जो कुछ उसमें दिखता है उस रोशनी के सीमित दायरे में
तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया। चूतिये लोग, उस रोशनी के छोटे से सीमित दायरे के बाहर विशाल अनंत अनंत अंधकार, जो उस छोटे से रोशनी के घेरे को घेरे हुआ है, उस अनंत अंधेरे को मैं पढ़ता हूं। अंधेरे को मैं पढ़ता हूं। तेरी बेटी के बॉडी को वो एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सब आत्माएं खूनी नहीं होती, लेकिन जो तेरी बेटी के अंदर है वो खूनी है, पागल खूनी। वो नहीं निकलेगा, उसे मार के तो निकाल नहीं सकते हो। मरे हुए को क्या मारोगे? उस जगह को तकलीफ देनी पड़ेगी जिसमें वो है, तेरी बेटी के शरीर को। शायद तुम ठीक कह रहे हो, यही एक तरीका होगा। क्या मतलब? क्या तरीका? देखो ना, जब मरीज को जानलेवा बीमारी हो जाती है तो डॉक्टरों का फर्ज होता है उसे ठीक करने के लिए बीमारी को निकाले, लेकिन जब यह तय हो जाता है कि बीमारी निकाल ही नहीं सकते तो फिर बीमारी को मानने के लिए मरीज को मानना पड़ेगा। गौरी को मारना चाहिए, मेरी राव तुम क्या कर रहे हो? राव राव समझने की कोशिश करो। राव, जब कोई टेररिस्ट आतंकवाद फैलाने के लिए किसी को बंदी बना देता है और उसका सहारा लेकर मतलब तबाही फैला रहा हो और उसको रोकना नामुमकिन हो, तो बाकी लोगों को बचाने के लिए कभी कभी बंदे की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। राव, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। राव 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 राव, मैं जानता हूं हम तुम्हारी बेटी को मानने के लिए कह रहे हैं, हम बाहर वाले हैं, हमारे लिए सब बातें करना बहुत आसान है। मैं जानता हूं तुम पे क्या गुजर रही है, ये तुम्हें पता है। मैं कमिश्नर
वो तांत्रिक, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। राव, समझने की कोशिश करो। जब हम तांत्रिक के पास थे, मुझे मैसेज आया था कि चार और लोगों का खून हो गया। मीडिया और पब्लिक चिल्ला रही है कि पुलिस क्या कर रही है, इस खूनी को पकड़ क्यों नहीं रही है। अब मैं क्या बोलूं कमिश्नर की हैसियत से कि ये खून एक लड़की के अंदर भूत कर रहा है। सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। राव, राव, कोशिश करो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। राव, राव, तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बेटी का कोई भविष्य नहीं है। क्या होगा आगे उसके साथ? खून पे खून, हम सब हार गए राव, पुलिस, तांत्रिक, हम और क्या कर सकते हैं? तुम ही बताओ, क्या चॉइस है हमारे पास? तुम गए थे ना उस तांत्रिक के पास? बोलना। गए था। कैसा लगा उसका मौत? मजा आ गया ना? मैं उसको फ्रांसिस से ही मरवाया। बाबू, मैं कुछ बोलूं? बोलना। मैं और लक्कू हम तय किया है। क्या तय किया तुमने? अब क्या चल रहा है खराफात? किसके पास जाना है अब तुझको? नहीं, वो अभी मदद के लिए किसी से भी नहीं मिलेगा। और मान लिया, अभी हमने मान लिया कि तुम गौरी को पसंद करते हो। तो गौरी को नहीं छोड़ोगे? तो क्या कर लेगा बे तू? नहीं मतलब क्या कर लेगा? उसके अंदर रहेगा वो हमें शाह के लिए। तो दिमाग मत खराब कर, बोल जो बोल रहा है, बोल। मान लिया तुम उसके अंदर ही रहोगे। ये बोलने आया था तो मुझे? वो तो मेरे को भी पता है मैं अंदर रहूंगा। मुद्दे पे आ। हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, बस इतना ही। थैंक यू राव।
ये बैठना, बैठना। राव, तुम जो ये सब कर रहे थे ना, उससे मेरा इरिटेशन बढ़ रहा था। मैं इरिटेट हो गया था। अब क्या प्रॉब्लम है? अब कुछ बाहर वालों को लगेगा मैं बस तेरी बेटी है। तू अपना काम करते रहे और मैं अपना मारने का काम चालू रखूंगा। अब इस सीक्रेट के बारे में कमिश्नर और साइकेट्रिस्ट को मालूम है, इसलिए अब मैं उन्हें मरवाऊंगा और तभी गांव में तेरे बेटे और तेरी माँ को भी मरवा दूंगा। फिर हम तीनों आराम से अपने सीक्रेट के साथ जिएंगे। अब क्या डर रहा है? आराम से जिएंगे। ताली मार। गोरी के लिए कल कभी नहीं आए। मुझे पता है आज मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं उसे पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत शौक लगेगा, क्योंकि तुम मेरी सिर्फ बेटी ही नहीं, तुम खुद एक साइकेट्रिक हो। मेरे 40 साल के करियर में मैंने हमेशा सुपर नेचुरल सुपरस्टिशंस के खिलाफ हर चीज को लॉजिक और रैशनल थिंकिंग से ठुकराता आया हूं, लेकिन एक ही एक्सपीरियंस ने मेरे पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला दिया है। बेबू, नहीं, नहीं, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक मेरी पूरी जिंदगी में जैसे भी था, मैं अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा हूं। उस तांत्रिक ने कहा अंधेरों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन कोई कैसे रोशनी और अंधेरे को अलग करके स्टडी कर सकता है? कैसे कितनी भी रोशनी हो, कैसे एक अनंत अंधेरे को पढ़ने के लिए काफी है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में रोशनी का सहारा लिया है और रोशनी मेरी ताकत थी, लेकिन अब मैं अंधेरे से डर रहा हूं और शायद मेरे मरने तक डरता ही रहूंगा।